की तरफ चलते हैं। लोकतंत्र के पर्व में मतदान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी पीछे नहीं हैं। बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र से ग्रामीण इलाके के लोगों ने कतारों में लगकर अपना वोट डाला, वहीं महिलाओं सहित बुजुर्गों ने भी लाइन में लगकर वोट डालने शुरू किए हैं। जी, ग्रामीण क्षेत्रों की भी तस्वीरें आ रही हैं सामने। पारंपरिक वेशभूषा में राजस्थान की महिलाएं, घूंघट की ओढ़ में भी हैं सारी महिलाएं और मतदान करने पहुंची हैं। बड़े अच्छी लगती है कई बार ये तस्वीरें कि ठीक है, परंपराएं अपनी तरफ है, लोकलाज अपनी तरफ है, लेकिन अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए महिलाएं भी बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों की मतदान केंद्र पर पहुंच रही हैं और मतदान कर रही हैं। बाड़मेर से हमारे संवाददाता अशोक शेरा हमसे जुड़ गए हैं, उनसे पूछते हैं कैसा माहौल है। हमने तस्वीरों में तो देख लिया अशोक कि ग्रामीण महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग सब बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। बाकी आप बताएं कैसा माहौल है वहां पर। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि सुबह 8 बजे से ही गांवों का जो लोग है, गांव के मतदाता है, वो लगातार अपने मतबूत है जहाँ केंद्र बने हुए हैं मतदान के लिए, वहां पहुंच रहे हैं। और विशेषकर महिलाएं, बुजुर्ग है जो देरी से उठते हैं, उन्होंने आज चटबट कर इस लोकतंत्र के पर्व में भाग लेने के लिए सुबह जल्दी उठ गए और 8 बजे से लाइनों में लगना शुरू हो गए और मतदान कर रहे हैं। उसके अलावा जो विधानसभा क्षेत्र से जो संवेदनशील क्षेत्र है, वहां पर भी जिला कलेक्टर जो है और पुलिस अधीक्षक वो पहुंच रहे हैं और मतबूथों की जांच कर रहे हैं। और जो गांवों के इस बार जो लोग विशेष कर रहे थे, ये बाड़मेर के लिए एक अलग नई बात होगी, इस बार गांवों के लोग चट बट कर मतदान के लिए हिस्सा ले रहे हैं। अशोक, ये बताएंगे कि किस तरह का कोई तनाव तो नहीं है बाड़मेर के किसी इलाके में? जी, बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र से अभी थोड़ी देर पहले एक सूचना मिली है कि बाड़मेर शहर के अंदर एक मतबूथ केंद्र पर थोड़े तनाव की स्थिति बनी थी। जो बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी है, जो है वो बीजेपी के प्रत्याशी वहां पहुंचे थे, उनके कार्यकर्ताओं के बीच थोड़ी तनाव की स्थिति बन गई। वहां पर पुलिस बल तैनात था और जिला पुलिस अधीक्षक के साथ साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भारी तैनात बल वहां पहुंचा और स्थिति को सामान्य करवाया गया। जी ठीक है, आपका बहुत धन्यवाद। हमें बताते रहे मतदान का प्रतिशत कितना बढ़ता है, कितनी तेजी से लोग आते हैं, नहीं आते हैं।